हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12th और 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो रे ऑप्टिक्स में देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, लाइट यानी कि प्रकाश। सेकेंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। थर्ड पॉइंट है मिरर, दर्पण। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि लाइट का हम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग किसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लाइट की मदद से। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ये भी किसकी मदद से देख पा रहे हैंगे, लाइट की मदद से देख पा रहे हैं। और अपने सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम लोग किसकी मदद से देख पाते हैं, लाइट की मदद से। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग सभी चीज़ों को देख पाते हैंगे। और ये बनी किससे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी होती है। और ये एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट की डेफिनेशन देखेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ताकि हम लोग एनालिसिस कर पाएँ कि हम लोग अच्छे ढंग से कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए लाइट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं लाइट किसे कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी डिफाइन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ बिटवीन 380 नैनोमीटर एंड 750, विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आईज। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेंज ऑफ वेवलेंथ इज 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे लाइट किसे कहते हैं। लाइट एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी होती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, जो कि ह्यूमन आइज के द्वारा देखी नहीं जा सकती। यानी कि लाइट को ह्यूमन आइज से नहीं देखा जा सकता है। तो क्या लाइट को हम लोग देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन आइज के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी होती है। और रेंज ऑफ वेवलेंथ देखेंगे, 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट देखेंगे, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी होती है, इतना आप याद कर लें। और रेंज ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 380×10⁻¹. नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है, नैनोमीटर nm इक्वल टू क्या होता है, 10⁻¹. क्या होता है, 10⁻¹. तो इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है 380 नैनोमीटर, इस तरह ना लिखा होकर इस तरह लिखा हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे टिक कर देंगे। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक के हो सकती हैगी, यानी कि 450 नैनोमीटर भी हो सकती है, ठीक है। और इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 45 × ये वाले जीरो को, इससे ये माइनस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक जीरो इसमें से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 10⁻¹. ये प्लस है और ये माइनस है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1. तो बिल्कुल भी इस चीज़ों को ध्यान देना हम लोगों को एग्जाम में, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैंगे। देखिए 380 नैनोमीटर को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैंगे, और इस जीरो को, जैसे इसमें किया है, इस जीरो को इस वाले 9 से कैंसिल किया, तो क्या हो गया, 45×10⁻¹. इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। देखिए अगली, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, किस तरह से, इस तरह से,
लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस तरह से कभी लाइट नहीं चलती है, जिगजैग मोशन में। लाइट हमेशा किस तरह चलेगी, एक सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड है, ठीक है। ये किलोमीटर नहीं है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, वैक्यूम की बात हो रही है, इस पर गौर करना है कि वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में होती है, वैक्यूम में। इस बात को हमेशा याद रखना। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह ऑब्जेक्टिव में ये आते रहेंगे और पूछेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट बताइए, और आप जो है चमक उठेंगे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि निर्वात, वैक्यूम को क्या कहते हैं, निर्वात। और निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, जैसे कि वहाँ पर कोई भी गैस नहीं होगी या कोई मीडियम नहीं होगा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। यानी कि खाली स्थान जहाँ पर कोई भी चीज़ ना एग्जिस्ट करती होगी, उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही अगर वैक्यूम ना होकर, यानी कि किसी मीडियम या ये ग्लास है, क्या है, ये ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, इसमें से अगर लाइट जाएगी तो क्या स्पीड इतनी ही होगी, बिल्कुल भी इतनी नहीं होगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वैक्यूम नहीं हैगा। इसे हम लोग और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लें कि अगर वैक्यूम दिया होगा निर्वात में, स्पीड कहेगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तभी आप इसे टिक करेंगे, अदरवाइज इसे टिक नहीं करेंगे। वैक्यूम में ही 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, ये क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्जाम में। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इतना पॉइंट्स क्लियर हो गएंगे आप सभी को। तो चलिए देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन और लॉस को ना पढ़ते हुए सबसे पहले फिगर को समझेंगे। जैसे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने क्या कहा, वन पिक्चर वर्थ लाइक अ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों का भार रखती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन और लॉस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आप प्लेन सरफेस देख पा रहे हैं, इसे हम लोग प्लेन ये प्लेन मिरर है, जिसे हम लोग प्लेन सरफेस कह रहे हैं, जिसका नाम क्या रखा है हम लोग ने, M और M डैश। आप M1 और M2 भी रख सकते हैं आप। और जो भी लाइट रे इस प्लेन मिरर पर पड़ेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। वैसे तो बंडल्स ऑफ लाइट पड़ेंगी, है ना, लेकिन हम लोग एक लाइट कंसीडर करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जो भी लाइट रे इस पर पड़ेगी, जो भी लाइट इस प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ए, ये लाइट पड़ती हैगी इस प्लेन सरफेस पर और रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चली जाती है। देखिए ये जो एरो बना हुआ है, इतने बहुत से एरो बने हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइट रे इस ओर जा रही है, ठीक है। इस एरो का मकसद बनाना यही था कि ये रिप्रेजेंट करे कि लाइट इस पर पड़ने वाली है, ना कि इधर जा रही है, ठीक है। इस तरफ एरो का निशान है, इसका मतलब लाइट पड़ रही है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पर। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे। पड़ने वाली लाइट को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसका अधिकतम भाग, यानी कि मेजर पार्ट जो है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसी मीडियम में। इस प्लेन सरफेस पर पड़ा और इसी प्लेन सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में, जैसे कि एयर से आया था और एयर में उसी मीडियम में वापस चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। एक बार और देखें इसे, कोई भी इंसिडेंट रे, एक लाइट रे पड़ रही जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे कह रहेंगे, इंसिडेंट रे, और पड़ने के बाद उसी मीडियम में पूरी वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये पॉइंट जो हम लोग ने डैश डैश करके खींचा उसे क्या कह रहेंगे, नॉर्मल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल, और डिनोट किससे करते हैं, एन से। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई एन, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई है आपको, लाइट रे पड़ेगी और पूरी की पूरी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा,
तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहेंगे। When a ray of light after incidenting on a plane surface come back into the same medium, then this phenomena is called reflection of light। क्या कह रहेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने उन्हें समझाएगा, जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी प्लेन सरफेस पर पड़ती है और पूरी की पूरी उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, उस वापस लौटने को क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस लौट रही उसे क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और पूरे इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर होगा। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। इस जो भी बोर्ड पर लिखा है इसे आप अच्छे से नोट कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ, सॉरी यहां पर देखिए रिफ्लेक्शन दो बार हो गया, ये क्या होगा, इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा देखिए, एक बार हम लोग फिर से फिगर में आएंगे। देखिए एंगल ऑफ, एंगल आई है ये और ये एंगल आर है, यानी कि जिस एंगल से लाइट प्लेन सरफेस पर पड़ेगी, जिस एंगल से भी लाइट प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसी एंगल से वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, जिस एंगल से लाइट प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी, यानी कि यह एंगल आई इस एंगल आर के बराबर होगा। देखिए इस तरह से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप, जिस तरह से लाइट, जैसे कि ये है इस तरह से पड़ी, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक प्लेन, एक नॉर्मल बनाएंगे, जिस एंगल पर पड़ेगी उसी एंगल पर वापस लौटती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइ इन द सेम प्लेन। क्या कह रहे हैं, देखिए फिर से एक बार फिगर में चलेंगे हम लोग। इंसिडेंट रे और क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। ये बात समझ में आ गई है। सेकेंड पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से, जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट करके गई, तो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, चलकर हम लोग इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से देखेंगे, थोड़ा आप लोग अच्छे से फोकस बनाकर इसे देखें। जो भी लाइट प्लेन सरफेस पर पड़ रही है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे कह रहे हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर यानी कि टकराकर प्लेन सरफेस से टकराकर वापस जा रही है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो नॉर्मल यानी कि जो लाइन हम लोग ने डैश डैश खींची है इसे क्या कह रहे हैं, नॉर्मल। ये हमेशा उस पॉइंट पर खींची जाएगी जहां पर ये टकराएगी और ये वापस लौट जाएगी, यानी कि इनके बीचों बीच, ठीक है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये क्लियर है सारे पॉइंट। तो चलिए देखेंगे अब हम लोग इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण और रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से फिगर देखेंगे, क्योंकि एक चित्र यानी कि एक फिगर, एक
1000 शब्दों का भार रखता है, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिगर देखेंगे पहले। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो भी लाइट रे प्लेन सरफेस पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसे हम लोग लिख भी लेते हैं। देखिए ये क्या हम लोगों की इंसिडेंट रे, जो लाइट रे प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसे क्या कह रहे हैं हम लोग? जो भी लाइट प्लेन सरफेस पर पड़ेगी उसे इंसिडेंट रे कह रहे हैं, और जो वापस लौट जाएगी उसी मीडियम में उसे क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये इस पर टकराई, यानी कि पढ़ने वाली रेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। और जो वापस लौट रही है उसे क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए देखते हैं इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं। द एंगल बिटवीन, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम लोग। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यानी कि इनके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। एक बार फिर से देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। फिर से देखते हैं एक बार, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन बताएगा? आप लोग खुद बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से कैसे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, कितना आसान है ना ये। और ये हमेशा इक्वल होते हैंगे, जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ऑलवेज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत काम आने वाली है आगे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस और इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 12th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू। और हाँ, अगर आपने अभी तक के मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, मैथ्स में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी अभी स्टार्ट की है, तो आप प्रोबेबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन।